डायरेक्टर यू, एग्रीकल्चर यूपी राजा ऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से आ, मैं आज सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या है इसको बताने के लिए एग्रीकल्चर का कोई भी विद्यार्थी हो जो शुरुआती विद्यार्थी होगा उसे कम से कम जो है कृषि के विषय में पता होना चाहिए कि कृषि वास्तव में है क्या तो बहुत बेसिक से हम शुरू करेंगे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ये दो शब्दों से मिल बना है लेटिन भाषा के दो शब्द हैं एक है एजर और दूसरा है कल्चरा एजर का मतलब होता है स्वायल स्वायल का मतलब होता है मिट्टी मृदा की जो ऊपर की परत होती है जो जिसे खेती की जा सकती है जो खेती के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स होल्ड करता है अपने अंदर समाहित किए हुए है जो सपोर्ट करता है पौधों को उसे सोयल कहते हैं और कल्चरा कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन मतलब खेती करना खेती करना मतलब पैदा करना उगाना तो ये दो शब्द हैं एजर और कल्चरा हमारे यहाँ अक्सर लोग कहा करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है एग्रीगेट ऑफ कल्चर है यानी सारी संस्कृतियों का समावेश है जिसमें उससे वो एग्रीकल्चर कहते हैं तो हमारे यहाँ कृषि जो है वास्तव में एक सारी संस्कृतियों का जो ग्रामीण एरिया में हैं क्षेत्र में हैं उनका समावेश है और एग्रीकल्चर हमारे यहाँ जीवन जीने की एक पद्धति है कहा जाता है इसलिए कि हमारे देश की लगभग 80 परसेंट से ज़्यादा लोग खेती पर ही आश्रित हैं खेती आय का साधन है खेती रोज़गार का साधन है और उसके बाद खेती के अगर विशेष उसमें आधार में जाएँ तो खेती जो हमारी तीन जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है रोटी कपड़ा और मकान रोटी का मतलब भोजन कृषि भोजन पैदा करने की एक विधा है एक इंडस्ट्री है जिसमें भोजन से संबंधित चीज़ें पैदा की जाती हैं कपड़ा भले ही इंडस्ट्रीज में बनता है लेकिन पहले सूत जो है ये काटन से बनता था तो सूत को पैदा करने वाला भी एग्रीकल्चर ही था और पहले घास फूस की झोपड़ी भी बना करके लोग रहते थे तो मकान का भी मकान की भी आवश्यकता जो है वो पूरी करता था यहाँ तक कि इमारती लकड़ी जो आती हैं वो हमारे कृषि से ही आती हैं और कृषि कैसे कहेंगे आप एक बहुत बड़ा बहुत ब्राड शब्द है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें समाहित हैं पौधों की खेती यानी फसलों की खेती उसके साथ साथ पशुओं का पालन पशु और खेती जो है एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं एक दूसरे का पूरक हैं एक दूसरे के जो वेस्ट को हम उसमें खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं फिर उसके साथ साथ फिशरी है पोल्ट्री है फॉरेस्ट्री है ये सब कृषि में ही आती हैं अब स्थिति ये है कि कृषि को कैसे परिभाषित किया जाए तो शुरू शुरू की जो परिभाषा आई कृषि की उसमें एआई आई कि दिस इज़ बायोलॉजिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन फूड की जो का उत्पादन होता है ये इसमें बायोलॉजिकल ढंग से पैदा होता है ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में कुछ ये चीज़ डाला कुछ वो चीज़ डाला कोई चीज़ बन के तैयार हो गई इसमें गाय को हम खाना खिलाते रहेंगे पिलाते रहेंगे दिन भर खिलाएंगे तो शाम को हमको गाय के शरीर के अंदर प्रोसेसिंग होकर के दूध मिलता है खेत में हम बीज डालते हैं खाद डालते हैं सब कुछ डालते हैं उसके बाद चार महीने बाद या पाँच महीने बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमको कुछ मिलता है तो वो हम खाद को डायरेक्ट गेहूँ में नहीं पैदा कर सकते परिवर्तित नहीं कर सकते हैं वो बायोलॉजिकल ढंग से ही परिवर्तित होकर के गेहूं के रूप में हमारे पास आएगा इसके लिए कोई प्लांट लगाने की आवश्यकता नहीं कि हमने आज यहाँ खाद और पानी डाल दिया और मिट्टी डाल दिया थोड़ी देर के बाद जो है हमको गेहूँ के रूप में मिल गया तो ये हमारी स्थिति है खेती जो है ये पूरा प्रकृति के ऊपर निर्भर है इसके लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है इसीलिए क्षेत्र विशेष में विशेष प्रकार की फसलें पैदा होती हैं जो क्षेत्र जो चीज़ें को चीज़ों को पैदा करने के लिए चर्चित है वहाँ का वातावरण उसके अनुकूल होता है जैसे इलाहाबाद में अगर देखें हम तो इलाहाबाद में अमरूद पैदा होता है और जैसा अमरूद इलाहाबाद में पैदा होता है वैसा अमरूद और दूसरी जगहों पर नहीं पैदा कर सकते ऐसे ही सेब सेब जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होता है अगर मैदानी भाग में लेकर आएंगे तो सेब ऐसा पैदा नहीं होगा जिन क्षेत्रों में धान बहुत अच्छा होता है वहाँ गेहूँ बहुत अच्छा नहीं हो पाता है और जिन क्षेत्रों में गेहूँ बहुत अच्छा होता है वहाँ धान अच्छा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ वहाँ का वातावरण वहाँ की प्रकृति उसके अनुकूल है यानी इसमें जो है प्रकृति के प्रति एक्सपोजर है ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होती है तो एग्रीकल्चर जो है ये एक्सटेंसिव लैंड का इस्तेमाल करता है इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की इस्तेमाल जरूरत होती है बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है प्राकृतिक संसाधनों में वही हमारी मिट्टी है पानी है हवा है ये चीज़ें चाहिए तो अब इसको एक दूसरे रूप में परिभाषित किया गया कि खेती वह विधा है जिसमें सोलर रेडिएशन जो हो रहा है हमारे यहाँ ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है सूर्य है तो सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है उस विकिरण ऊर्जा को पौधों के माध्यम से या जानवरों के माध्यम से हम कन्वर्ट करते हैं उसको अधिक से अधिक फूड आइटम में अपने आवश्यक वस्तु को पैदा करने में उसका प्रयोग करते हैं और उसका न्यून इस प्रकार से करते हैं इस प्रकार से उसका प्रबंधन करते हैं कि उसका न्यूनतम भाग जो है वेस्ट हो जैसे हमारे यहाँ क्या है फसलों के अंदर उसमें वीट पैदा होते हैं या कुछ पेस्ट्स पैदा होते हैं जो उसी सोलर एनर्जी का यूज करते हैं प्रयोग करते हैं तो उससे होता क्या है कि ये उसका नुकसान होता है तो नुकसान को कम करते हुए अधिक से अधिक अपने उपयोग की चीज़ें भोजन या जो हमारी जरूरत की चीज़ें हैं नेसेसिटीज़ हैं उनको हम पैदा कर सकें यही एग्रीकल्चर है तो इसको जो है अंग्रेजी में इसकी परिभाषा जो दी गई कि कन्वर्जन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ सोलर एनर्जी इन टू यूजेबल फॉर्म्स एंड लेस्ट वेस्टे लीस्ट वेस्टेज थ्रू वीट्स एंड पेस्ट तो ये हमारा जो है एग्रीकल्चर है अब एग्रीकल्चर की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी अगर इतिहास इसका देखें तो इतिहास इसका जाता है जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था वहाँ से उसके साथ जुड़ा हुआ है लगभग डेढ़ मिलियन वर्ष पूर्व मानव सभ्यता का कहा जाता है कि विकास हुआ शुरू हुआ वहाँ से और उसमें मानव जो है ज, इस जन इस जीवन जमीन पर इस धरती पर एक जीव के रूप में आया लेकिन वह मानव के रूप में नहीं था अब स्थिति यह हुई कि धीरे धीरे कन्वर्जन होता गया होता गया उसका ट्रांसफार्मेशन होता गया और ट्रांसफार्मेशन होते 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 पाँच हजार वर्ष पहले लगभग जो है मानव पहले केवल मांस के ऊपर आधारित था जानवरों को मार के खाया करता था कच्चा मांस खाता था धीरे धीरे उसने आग को समझा कि आग के माध्यम से ही इसे पका के भी खाया जा सकता है तो आग की खोज हुई उसके ऊपर नियंत्रण करना सीख लिया और मांस को पका के खाने लगा तो पहले मांसाहारी था लेकिन धीरे धीरे उसके बाद जब मांस को पका के खाने लगा तो उसके शारीरिक उसमें परिवर्तन होने लगा उसके छोटे छोटे दांत होने लगे दाढ़ी हो गई दिमाग थोड़ा बड़ा हो गया उसका सोचने की क्षमता आ गई तो उसने हथियार के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया और वो जो है शिकारी के रूप में आ गया और उसके कुछ दिनों बाद कई हजारों वर्ष बाद कई समझ लिए ढाई सौ हजार वर्ष बाद पहले जो है वो पुनः मॉडर्न मानव जो हमारा होता है उसके पूर्वजों के रूप में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वो भी तब तक मांसाहारी ही थी लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वनस्पतियों को ढूंढा और ऐसी वनस्पतियों को खाना शुरू किया जो उनके लिए लाभदायक थे क्योंकि उनके दिमाग में आने लगा कि पशुओं के ऊपर हम कब तक आधारित रहेंगे एक समय ऐसा आएगा हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हम जो है पशुओं को ही खा करके काम चलाने ऐसा संभव नहीं है तो प्रकृति में जो वनस्पतियाँ थीं उनकी पहचान किया उनका संरक्षण करने लगा अपने खाने के लिए और धीरे धीरे मानव का विकास होता चला गया फिर उसको समझ में आया कुछ दिनों बाद कि हम जो है ये जानवर जो पकड़ के खा रहे हैं मार के खा रहे हैं अगर इन्हें हम पाल लें तो स्थिति हमारी कुछ और बेहतर हो जाएगी और एक दूसरे से लड़ाई नहीं होगी जो पाला रहेगा वही खाएगा या जिसको देगा वो खाएगा तो वहाँ से पशुपालन की स्थिति शुरू हो गई पशुपालन करने लगे फिर उनको समझ में आया कि जो ये हम बीज अनाज खा रहे हैं जो मतलब वनस्पतियाँ खा रहे हैं क्यों ना इसे हम देखें कि उगती कैसे हैं तो उन्होंने एक क्षेत्र विशेष में अपना रहबेड़ा बनाया आवास बनाया निवास बनाया ग्रुप बनाया एक समाज का संगठन हुआ और समाज के संगठन में फिर वहाँ वो अपने 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 उनके काम होने लगे कि वहाँ जानवर भी पालेंगे और बीजों को ले आ ज़मीन में दबा देते थे और जमीन में से अंकुरण होने लगा तो उन्हें लगा कि इस तरह से जो है हम तो अपना कुछ क्षेत्र में जो है बीजों को अंकुरित करके अपना ही पैदा कर सकते हैं तो वहाँ से वो लोग अपना पैदा करने लगे और तब वहीं से लोगों के दिमाग में फसलोत्पादन की बात आई और फसलोत्पादन का कार्यक्रम आगे बढ़ा पशुपालन भी होने लगा फसलोत्पादन भी होने लगा लेकिन वहाँ कुछ भी जो है ज़मीन में बाहर से नहीं दिया जाता था पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी नेचुरल फार्मिंग होती थी जो ज़मीन में डाल दिए पैदा हुआ वो उनका है उसको पैदावार बढ़ाने की कोई बात नहीं होती थी और स्थिति ये होती थी कि धीरे धीरे वह ज़मीन जब अनुपजाऊ होती थी तो वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह जाके खेती करने लगते थे और तब तक जो है बहुत ढेर सारी फसलों की पहचान कर लिया था इन्होंने जिस क्षेत्र में थे वहाँ की फसलों को जो है इन्होंने पहचाना उसको इंडिजिनस क्राफ्ट्स बोलते हैं वहाँ की वह लोकल क्राफ्ट हुआ करती थी और धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ने लगा अब स्थिति ये बनी कि हम शिफ्ट करके कब तक चलते रहेंगे तो शिफ्टिंग को रोकने के लिए फिर ये हुआ कि जो पशुओं से हमें मलमूत्र प्राप्त हो रहा है वेस्टेज प्राप्त हो रहा है उसको खाद के रूप में कन्वर्ट करने की बात आने लगी और उससे जो है खाद दे करके प, पैदा करने लगे और फसलों की का उत्पादन बढ़ा जब उत्पादन बढ़ा तो उत्साह बढ़ा लोगों का और अब इसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद करके धीरे धीरे लोगों ने अपना आधिपत्य जमाया उस जमीन पर और वहाँ खाद डाल करके धीरे धीरे पैदा करने लगे और फिर इसके बाद खोज होने लगी और धीरे 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 आदमी जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ चला हमारे इंडिया की स्थिति यह है कि हमारे यहाँ सबसे पहली क्राप जो अगर खोजी गई थी तो इंडिजिनस क्राप हमारी इंडिया में राइस थी और फलों में आम था गन्ना था ये हमारी अपने भारत देश की उत्पत्ति हैं भारत देश की खोज हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जगहों पर भी पैदा की जाने लगी जहाँ फेवरेबल जगह मिली वहाँ पैदा करने लगे लोग गेहूँ हमने बाहर से मंगाया था गेहूँ हमारे यहाँ का इंडीजिनस नहीं था कुछ हमारे यहाँ दालें भी पैदा होती थी लेकिन अब धीरे 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 उसकी संख्या बढ़ने लगी कि अगर हमारे यहाँ नहीं पैदा हो रही थी हमारे यहाँ का इंडीजिनस नहीं है तो एक जो जीनस बीज को हम ले लिया करके अपने यहाँ उसकी खेती करें और उसको बढ़ावा दें इसके बाद स्थिति ये हुई कि हमारा देश अब हमारे देश की बात अगर करें तो हमारे देश में सिंधु घाटी की सभ्यता में जब खुदाई हुई थी उस खुदाई में हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, में जो खुदाई हुई थी बड़ी बड़ी ग्रेनरियाँ मिली थी तो उससे स्पष्ट होता है कि हमारा भारत देश जो है वह फसलोत्पादन में बहुत आगे था और देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था और स्थिति ये थी कि दूसरे देश के लोग जब पता लगने लगा कि इस क्षेत्र में पैदा होता है ज़्यादा तो व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ आने लगे और हम व्यापार में लोगों को क्या देते थे अनाज देते थे मसाले देते थे चीनी हमारे यहाँ से चीनी तो होती नहीं थी गुड़ होती थी होता था गुड़ को चीनी में कन्वर्ट करने की प्रथा तो बाद में आई तो ये सब सारी चीज़ें जितने एग्रीकल्चरल उत्पादन थे हमारे हम उसमें इतना रिच थे इतना हमारे पास प्रॉस्पेरस प्रॉस्पेरिटी थी कि हम उनको खाद्य सामग्री देते थे मसाले देते थे और उसके बदले में उनसे हम पैसा नहीं लेते थे उसके बदले में सोने और चांदी को लेते थे और उसको अपने यहाँ रखते थे और यही कारण था कि उसी व्यापार के आधार पर हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे भारत सोने का चिड़िया जो कहा जाता था अपनी एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी के बदौलत ही कहा जाता था आगे कहानी बढ़ी हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए इंडिया की स्थिति ये थी इंडिया में ब्रिटिशर्स के पहले मुगल आए तमाम आक्रमण हुए और लोगों ने आक्रमण क्यों किया जो प्रासपेरस होता है जिसके पास धन संपत्ति होता है डाका और चोरी उसी के यहाँ होती है तो पूरी दुनिया में सबसे संपन्न हम थे एग्रीकल्चर के बदौलत और हमारे यहाँ इन्वेजन्स आक्रमण होते थे लोग आए और यहाँ से लूट जा लूट कर ले जाने के उससे आए फिर कुछ लोग यहाँ बसने के उद्देश्य से आए और इसके बाद फिर मुग़लों के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई ब्रिटिशर्स आए ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ हमको जो लूटना था लूटा भी और हमारे यहाँ अपना राज्य भी स्थापित किया और उसके बाद एक क्रेडिट उनको जाती है कि एग्रीकल्चर अब तक जो है केवल पैदा करना पैदा करना पैदा करना वाला ही बिजनेस था और कुछ नहीं था तो उसमें पैदा ज़्यादा कैसे करें इसके लिए हमारे यहाँ संस्थाओं की स्थापना शुरू हुई और पूसा बिहार में सबसे पहले जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की और भी पढ़ाई होती थी लेकिन पूसा बिहार में एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो है डेवलप किया बनाया गया वो आज जो आईआरआई दिल्ली में है वो पूसा में ही उसकी नींव पड़ी थी और आज जो है उसके ऊपर हम लोग तमाम जो है रिसर्चेज कर रहे हैं विदेशों से जो रिसर्च हो रहे हैं उनका भी लाभ ले रहे हैं और खेती जो है अब इसमें हमारे यहाँ पढ़ाई होने लगी तो एग्रीकल्चर अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे एक उत्पादन एक व्यवसाय की बात कर रहे थे एक उद्यम की बात कर रहे थे अब यह उद्यम जब हमारे शैक्षिक उसमें प्रवेश किया तो एग्रीकल्चरल साइंसेज के रूप में प्रवेश किया और एग्रीकल्चर में केवल अकेला कोई ऐसा विषय नहीं जैसे इतिहास हो भूगोल हो ऐसा अकेला नहीं है इसमें समस्त विषयों का समावेश है इसके अंदर एग्रीकल्चर में उत्पादन के लिए एग्रोनॉमी है जैसे उसमें फसल उत्पादन की बात करते हैं हार्टिकल्चर है हमारे यहाँ जिसमें हम ये स्कोप है इसका हार्टिकल्चर है जिसमें कि हम फल सब्जियों के उत्पादन की बात करते हैं फूलों के उत्पादन की बात करते हैं मसालों के उत्पादन की बात करते हैं सगंधी और औषधि पुष पौधों की बात करते हैं ये हमारे यहाँ हार्टिकल्चर में जाता है उसके अलावा हम पशुपालन की बात करते हैं जो डेयरी में एनिमल हस्बेंड्री में जाता है दूध के व्यवसाय से संबंधित हम बात करते हैं मांस उत्पादन से संबंधित हम बात करते हैं दूध की बात जाती है डेयरी में और एनिमल हस्बेंड्री में मांस उत्पादन और ये सब कुछ आ जाता है ऊल के उत्पादन के लिए हम लोग भेड़ की बात करते हैं जब पशु पशुपालन पा, शुरू हुआ था शुरू शुरू में तो सबसे पहले मानव ने भेड़ पाला था उसके बाद बकरी आई थी उसके बाद गाय आई थी और भैंसें आई थी तो सबसे पहले भेड़ पालने का क्या उचित था क्योंकि भेड़ मांस के लिए भी पाली जाती थी और ऊल के लिए भी पाली जाती थी जो गर्मी के लिए कपड़ा जाड़े के लिए कपड़ा बनाते थे उनको लगा कि इसके बाल से अगर हम कपड़े बना के पहनते तो हमको गर्मी देगी तो उस समय भी जाड़े गर्मी का वो था तो जाड़े से बचने के लिए लोग जो है भेड़ पालते थे जिससे ऊन बना करके अपने कपड़े बनाते थे जब और एग्रीकल्चर में जो है इसके अलावा जैसे हमने बताया कि ऐसे पौधे होते हैं जो कि इसके साथ कंपीट करते हैं हमारे मेन क्राप्ट के साथ और वो हमारे मेन क्राफ्ट को जो न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है उसको खा जाते हैं उसको उसका उपयोग कर लेते हैं तो उस उपयोग को हमें अपने एफिशिएंट प्रबंधन कौशलयुक्त प्रबंधन के माध्यम से कम करना है इसको वीड बोला जाता है घास फूस बोला जाता है तो ये वीडीशाइड और तमाम चीज़ें आई हैं जिसको पहले तो ऐसे हाथ हाथ से निकाल देते थे फिर मैकेनिकल प्रोसेस से निकालने लगे फिर उसके बाद जो है वो केमिकल प्रोसेस से तो उसको करते हैं खेत में खाद देने की बात आई मिट्टी की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ सोयल साइंस की बात करते हैं मृदा विज्ञान की बात करते हैं उसकी पढ़ाई करते हैं उसके विषय में वहाँ बताया जाता है उसके बाद रोगों से संबंधित बात करेंगे तो बॉटनी में एक प्लांट पैथोलॉजी विंग आती है तो उससे संबंधित बातें होती हैं जो पेस्ट हैं कीड़े मकोड़े हैं इस समय टिड्डियों का जो प्रकोप बढ़ा हुआ है तो इनको मारने का और इनके फिजियोलॉजी का अध्ययन जो किया जाता है इंटोमोलॉजी में किया जाता है प्लांट्स की फिजियोलॉजी की बात की जाती है प्लांट्स को के ब्रीडिंग की बात की जाती है ऐसे ही एनिमल के ब्रीडिंग की बात की जाती है ऐसे ही हार्टिकल्चर और फसलें जो हैं उनकी ब्रीडिंग की बात की जाती है तो ये सब जो है ब्रीडिंग साइंस में आता है उसके अलावा सोशल साइंसेस से संबंधित एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की बात आती है जिसमें कि हम अपने जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं इवॉल्व करते हैं उसको गांव के में कैसे ले जाएं, किसानों को कैसे समझाएं, प्रसार की बात आती है कैसे विज्ञापन उसका करें कैसे हर किसान जो है हमारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें इसके लिए एक्सटेंसन एग्रीकल्चरल एक्सटेंसन होता है उसके अलावा जो कुछ भी हम कर रहे हैं अगर व्यवसाय के रूप में हम कर रहे हैं तो हमारा लाभ का बिजनेस है कि नहीं है ये इसमें कितना लाभ मिला हमको इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए इसके लिए लोनिंग कराने की बात होती है तो हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है वहाँ तो ये सारे विषय जो है एग्रीकल्चर में समाहित हैं यानी हमारे कहने का मतलब इसमें वैज्ञानिक विज्ञान के भी विषय हैं इसमें सोशल साइंस के भी विषय हैं और इसमें जो है जो भी आप समझते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जहाँ पढ़ा जाता है वहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है फार्मर्स की साइकोलॉजी की बात करते हैं यानी ये आर्ट्स का भी मामला ह्यूमिटीज़ का भी मामला इसमें आता है तो ये स्थिति रही हमारे एग्रीकल्चर की कि एग्रीकल्चर एक अकेला कोई विषय नहीं है ये विषयों का समावेश है जिसमें ढेर सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं सबकी समझ विकसित करनी पड़ती है और अब स्थिति ये हुई कि हमारे एग्रीकल्चर में वर्तमान समय में जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पढ़ाई होती है हमारे यहाँ जैसे ओपन सिस्टम है हमारा अपना विश्वविद्यालय है इसमें अभी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होने के नाते थोड़ा प्रतिबंध है अभी बीएससी और एमएससी लेवल की क्लासेस नहीं होती हैं लेकिन हमारे यहाँ सर्टिफिक अवेयरनेस सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल की क्लासेस होती हैं इनको इसमें बच्चे पढ़ते हैं लोग पढ़ते हैं और हमारा सिस्टम केवल उनके लिए है जो लोग पढ़ नहीं पाए और गाँव में खेती में लग गए किसी भी कारणों से नहीं पढ़ पाए गाँव में खेती में लग गए और खेती में लगने के बाद वो पारंपरिक ढंग से खेती कर रहे हैं अपने परिवार में जिस ढंग से खेती होती थी उसको देख करके समझ करके उसी ढंग से खेती कर रहे हैं थोड़ा उसमें परफेक्शन आवे थोड़ा उसमें सुधार आवे टेक्नोलॉजी में सुधार आवे तो अब हमारे कृषक जो है उससे अच्छा उत्पादन कर सकते हैं दूसरी चीज़ है इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है क्यों दिया जा रहा है एक समय ये था कि बंगाल की फेमाइन जब आई तो उसमें स्थिति भुखमरी की आ गई और उस भूखमरी में भूखमरी की स्थिति क्यों आई क्योंकि हमारे यहाँ उतना उत्पादन नहीं था खाने के लिए सामान नहीं था विदेशों से मंगाना पड़ा तब जब बंगाल फेमाइन के बाद ये हुआ महसूस किया गया कि अब हमारे यहाँ जो है इसकी पढ़ाई होना चाहिए लोगों को जानना चाहिए उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों के ज्ञान को बढ़ाना चाहिए तो वही मैंने बताया कि आईआरआई की स्थापना हुई और तमाम जो है इंस्टीट्यूशंस इसमें एग्जिस्टेंस में आए वो काम करने लगे तो उसके बाद हमारे यहाँ खादों का उपयोग अधिकाधिक होने लगा खाद का मतलब उर्वरकों का उपयोग हमारे यहाँ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है कंपोस्ट का प्रयोग या क्रॉप रोटेशन के माध्यम से या आप कहें कि भूमि को प्रति एक साथ पलियर छोड़ करके और दूसरी बार फिर खेती करना या ग्रीन मैन्योरिंग करके करना तो ये जो नेचुरल प्रोसेस था इससे जो हमको खाद मिलती थी उतनी नहीं मिलती थी दिक्कत हो रही थी तो हमको अधिक उत्पादन करने के लिए फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजनस फर्म फर्टिलाइजर्स हैं फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर्स हैं या और दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका उपयोग करना पड़ा कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए हमको पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना पड़ा वीड्स को मारने के लिए विडिसाइड यानी हम धीरे धीरे केमिकल आधारित होते चले गए और स्थिति ये हुई कि उससे प्रदूषण बढ़ता चला गया प्रदूषण बढ़ने का मतलब हमारी हवा भी प्रदूषित हो गई हमारा जल भी प्रदूषित होने लगा हमारा अनाज जो पैदा हो रहा था वो भी प्रदूषित होने लगा उसको खाने से तमाम रोग पैदा होने लगे रोग उनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो कम होने लगी तो एक समय वो था कि फेमाइन के बाद हम लोग फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे कि हम हमारे यहाँ सबको खाना मिल जाए तो खाना बढ़ाने की बात फूड का प्रोडक्शन तो बढ़ गया बढ़ता ही गया और हमारे यहाँ की स्थिति ये है कि हम इस समय जो है अनाज पैदा करने के मामले में अप स्व आधारित हो चुके हैं अपने ऊपर सेल्फ सफिशेंट हो चुके हैं हम विदेशों को एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं दूध के मामले में हमारा उत्पादन विश्व में नंबर एक पर चल रहा है सब्जियों के मामले में हम ब्राज़ील के आगे पीछे चल रहे हैं आगे पीछे चल रहे हैं उसमें भी अब कभी एक होते हैं कभी दो होते हैं इस समय वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे यहाँ दूध का भी भरपूर उत्पादन हो रहा है लेकिन सब कुछ के उत्पादन के पीछे अगर हम देखें तो हमने केमिकल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है जिसकी वजह से हमारी जो धरती माह है उसकी क्षमता घटती चली जा रही है मृदा जो है प्रदूषित होती चली जा रही है अब मृदा की हम बात करें तो मृदा में तीन तरह के जो है कॉम्पोनेंट्स होते हैं एक होता है उसका फिजिकल इन्वायरमेंट फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि उसमें पानी हवा और ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी बात करें दूसरा केमिकल इन्वायरमेंट होता है तो ये मृदा के पी की बात करते हैं उसके न्यूट्रियट की बात करते हैं और तीसरा बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट का मतलब होता है कि जमीन में जो मृदा में जीवांश है जीवांश मतलब फ्लोरा और एम फोना की बात करेंगे उसके अंदर जो है जो जीव हैं जैसे केचुआ है ये फार्मर फ्रेंडली जीव है ऐसे ही चूहा भी है चूहा भी ज़मीन को पूरी खुदाई कर देता है हालांकि थोड़ा फसल को नुकसान करता है तो नुकसान से बचाने के लिए कंट्रोल मेजर्स हैं लेकिन फसलों के कटने के बाद से वो जो है ज़मीन को इतना चाल देता है कि जुताई की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है तो इस तरह की फ्लोरा एंड फौना हैं जो कि हमारे किसानों के लिए वो फ्रेंडली हैं मित्रवत हैं तो उनको बचा बचाने की बात करनी है लेकिन जब हम उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो उसके जहर से वो भी मर जाते हैं तो हर स्थिति में हमें ऐसी खेती करनी है जिससे कि ये फसलों को नुकसान न हो हमारी ज़मीन को नुकसान न हो हमारे वातावरण को नुकसान न हो तो ये सोचते हुए इस समय एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग की दूसरा खेती हम लोग करते करते मशीनों के ऊपर ज़्यादा आधारित होने लगे मशीनों के ऊपर ज़्यादा आधारित होने का मतलब ये था कि पशुओं के ऊपर जो आधारित हमारी खेती होती थी बैल होते थे ये सब के लिए हम लोग जा, जानवर पालते थे अब बैल नहीं चाहिए हमें तो हम उसके लिए जो है खाली दूध के लिए गाय पाल लें लेकिन बैलों की संख्या खत्म हो गई तो जानवरों की संख्या खत्म हो गई तो उनसे जो एनिमल से वेस्ट मिलता था जिसको हम कंपोस्टिंग करते थे उसकी मात्रा घट गई तो अब स्थिति ये है कि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात की जा रही है कि ऐसी फार्मिंग करें हम जिसमें जानवर भी हम पालें क्राप भी हम लगावें मसाले वाली खेती भी हम करें फिशरीज़ का भी हम काम करें इस तरह से सारी चीज़ें सारा काम हम करें उसमें इस तरह से करें कि वो सारे इंटीग्रेट होकर के एक दूसरे का वेस्ट एक दूसरे के लिए प्रयोग हो भले उत्पादन शुरू में थोड़ा सा घटेगा लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उत्पादन अपने लेवल पर आ जाएगा ऐसा लोग हमारे वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं तो ऐसी स्थिति ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके हम जो है अपनी एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ा सकते हैं जानवर हम पालते नहीं हैं तो हमको भूसा की आवश्यकता नहीं है पराली की आवश्यकता नहीं है मैकेनिकल विधि से हम जो है उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं और उसको किसान जो है खेत में ही जलाने लगता है जब खेत में जलाने की बात आती है तो हमारे जो फ्लोरा एंड फोना है मिट्टी के जो मिट्टी में हमारे किसानों के जो फ्रेंडली तत्व हैं उनका नुकसान होता है मिट्टी के ऊपर की सतह जल जाती है तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए उनका प्रयोग कम किया जाए मतलब ना किया जाए इसके लिए मतलब जलाने की स्थिति ना आवे इसके लिए पशुपालन आवश्यक है पशुपालन करेंगे तो खेत में जो पैदा हुआ भूसा है और ये चारा है ये पशुओं को मिलेगा और इसके बाद इसमें जो है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात आई जिसमें कि हमारे पास खेती के साथ साथ हम पशुपालन भी करें हम कुछ फिशरीज़ भी करें गड्ढा बना करके उसमें हार्टिकल्चर के कुछ फसलें लगाएं जैसे फल फूल लगावें सब्जी लगावें और उसके साथ साथ हम जो है पॉल्ट्री भी अगर रख सकते हैं कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक सामाजिक बाध्यताएं होती हैं सभी लोग पॉल्ट्री का बिजनेस नहीं लगा सकते हैं तो अगर लगा सकते हैं तो पॉल्ट्री भी आप अपने यहाँ शुरू कर सकते हैं तो इस तरह से एक इंटीग्रेटेड समन्वित कृषि की बात हुई जिसमें एक दूसरे का वेस्ट एक दूसरे के काम आएगा फसल का वेस्ट जो है जैसे पराली है वो जानवरों के खाने के काम आएगी जानवरों का वेस्ट मलमूत्र है उनका वो फसल के काम आएगा उसका प्रयोग जो है एक फिशरीज़ के लिए भी हम कर सकते हैं उनको खाने के रूप में दे सकते हैं खेत से जो पैदा अनाज हुआ अनाज में अच्छे अनाज को हमने रख लिया लेकिन ख़राब अनाज जो है वो मुर्गियों के लिए दाने हो सकते हैं फिशरीज़ में मछलियों के लिए दाने हो सकते हैं तो इस तरह से अगर हम अपना खेती करने लगें तो उससे हमारे जो है एग्रीकल्चर में उत्पादन बढ़ेगा पहले भले ही थोड़ा सा कम हो लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर अपने स्तर पर आ जाएगा और उत्पादन बढ़ेगा और नो no डाउट कि हमारे एग्रीकल्चर से जो हमारी पुरानी प्रॉस्पेरिटी थी पुनः वापस आएगी और हम पुनः जो है विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर होंगे और केवल एग्रीकल्चर के बल पर अग्रसर होंगे इस समय कुछ जो आपदाएं आई हुई हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि उन आपदाओं में अगर सबसे मजबूती से अगर कोई बिजनेस खड़ा है कोई व्यवसाय खड़ा है तो एग्रीकल्चर है तो ये एग्रीकल्चर जो है इसको हमें समझने की ज़रूरत है जो हमारे किसान भाई हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं उनको बताने की बात है उनके खेत तक जाकर के उन्हें समझाने की बात है अगर हम जा कर के इसमें सफल होते हैं समझा पाते हैं और अच्छे तकनीकी का उपयोग करा पाते हैं तो ये हमारे एग्रीकल्चर के विद्यार्थी होने का सबसे बड़ा फायदा होगा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस खुलने का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और ओपन यूनिवर्सिटी इस विषय में लगातार प्रयास कर रही है सर्टिफिकेट डिप्लोमा अवेयरनेस इस सब प्रोग्राम्स के माध्यम से आसपास के लोगों तक पहुंच करके उन्हें बताने का प्रयास कर रही है दिस इज़ ऑल अबाउट दी इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर हम लोग आगे की फिर जो कक्षाएं होंगी तो उनमें हम आगे की उसकी बात करेंगे अलग अलग गतिविधियों की जिसमें कि आपका वो हॉर्टिकल्चर क्या है मसालों की खेती क्या है अब इनकी जान पशु उत्पादन का काम क्या है कैसे करेंगे ये सब सारी चीज़ें जो है हम धन्यवाद